नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त कोरबा से एक बड़ी वारदात सामने आई है। शिक्षक की शर्मनाक कारतूत, लड़का पैदा नहीं होने पर शिक्षिका की कर दी हत्या, ऐसे खुला राज, चाचा और पति गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने दो लड़की के बाद लड़का पैदा नहीं होने पर पत्नी शिक्षिका की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने में उसके चाचा ने भी साथ दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए पति और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उरगा थाना क्षेत्र के देवलापाट का है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले शिक्षक पति नारायण राठौर की प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षिका खुशबू उर्फ रानी राठौर ने जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया था। जहर सेवन के बाद महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से रेफर करने के बहाने एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त पति ने चाचा के साथ पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति नारायण प्रसाद राठौर ने चाचा बसंत कुमार राठौर के साथ मिलकर बड़े ही शातिराना अंदाज में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी इस कारतूत का खुलासा हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पति और उसके चाचा ने हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने 302 का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया है। उरगा थाना प्रभारी विजय चेलक ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले निवासी सिवनी खुशबू उर्फ रानी राठौर देवलापाट में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। पास के ही जवे गांव में उसका पति नारायण राठौर भी शिक्षक के पद पर पदस्थ है। दोनों एक ही वाहन में स्कूल आया जाया करते थे। पति पत्नी के बीच लड़का पैदा नहीं होने की बात को लेकर विवाद होता रहता था। चरित्र पर भी शंका करता था। इसी बात से प्रताड़ित होकर शिक्षिका खुशबू उर्फ रानी राठौर ने जहर सेवन कर जान देने की कोशिश की थी।